बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारे लेक्चर। व्यूवर्स, आज मैं हमारे लेक्चर में आपको फेस मास्क बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ही ज़रूरी बन गया है हमारा ये फेस पे लगाना, जो कि बाज़ार में बहुत ही महंगा मिल रहा है। तो मैं आपको घर में बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से ये बना सकते हैं। आपने क्या करना है व्यूवर्स, अगर आपके ड्रेस में से कपड़ा बचा हुआ है तो आप उससे भी बना सकती हैं, और अगर जैसे छोटे छोटे पीसीस बचे होते हैं उसके भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आप बाज़ार से कपड़ा लें तो 50 रुपीज़ का अगर आप कपड़ा लेंगी तो आपके 3-4 आराम से बन जाएंगे उसमें, और अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगी तो 50 या 60 का आपको बाज़ार से मिलेगा। बहुत ही आजकल ये हमारे जो है ज़रूरी हो गया है हमें लगाना। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि बहुत से लोगों ने बनाना सिखा है, ये कुछ लोग शॉपर के भी सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ शॉपर के बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि देखिए शॉपर जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से आया हुआ है और किस तरह के जरासीम लगे हुए, तो उसके बिल्कुल भी मत बनाइएगा। तो ये बहुत ही कम खर्च में मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत जो है कम खर्च में बनेगा। तो ये आप देख सकती हैं, इसकी जो लेंथ ली है मैंने, ये 8 इंचज़ ली है, 8 इंचज़ इसकी लेंथ है, और जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 6 इंचज़। ठीक है व्यूअर्स, तो आपने करना क्या है, ये जो है अपने बच्चों के भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, साइज़ अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने 8 इंच की हमने जो है इसकी लेंथ ली है और 6 इंच की हमने ली है इसकी चौड़ाई। ठीक है व्यूअर्स, और हमने आपको लास्टिक का बता दूँ मैं, लास्टिक आप देख सकती हैं, ये जो हमने है लास्टिक ली है, ये तकरीबन हमने ली है 6.5 इंच की, 6.5 इंच की ही आपने लास्टिक लेनी है, क्योंकि देखें जब हम थोड़ा थोड़ा सिलाई में ले देते हैं तो 6 इंच की बचती है, तो परफेक्ट जो है ये 6 इंच की हो जाती है। तो व्यूअर्स, हमने करना क्या है, हमने इस तरीके से प्लेट्स देकर, ये देख सकती हैं व्यूअर्स आप, प्लेट्स देकर आपने इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेनी है यहाँ पर। तो मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इस तरीके से दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली है, और अब हमने क्या करना है, ये हमने इसके साइज़ की इस तरीके से पट्टी लेकर हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, इधर भी और इधर भी, और हमने इधर सिलाई लगाकर, इसे सिलाई लगाकर हमने इस तरीके से इसकी पाइपिंग कर लेनी है। ठीक है व्यूअर्स, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी, और फिर आपको बताती हूँ कि आपने फिर करना क्या है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मास्क जो है तैयार हो गया है, और आप देख सकती हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है, ये देख सकती हैं आप, बहुत ही आसानी से तैयार हो गया है। हमने इस तरीके से पाइपिंग करके चारों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है, और अब आपने करना क्या है, आपको ये दिन में तकरीबन एक जो है ज़रूर चेंज करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक और तरकीब बताती हूँ, आपने क्या करना है व्यूअर्स, इसके साथ अगर आप टिशू रखेंगे अपने फेस के आगे, तो अगर आपको खांसी आए या नज़ला हो तो आपने क्या करना है, ये टिशू चेंज कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको जो है बार बार जो है ये हमें चेंज करना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ टिश्यूज़ चेंज कर लेंगे ताकि इससे हमें फ़ायदा हो। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं अच्छे से प्यार से डिज़ाइन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, देखते रहिए हमारे लक्षण, मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।